हिमाचल प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स के साथ में तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन एचपी जी के का पूछा जाता है और वो भी मैक्सिमम जो है करंट अफेयर्स में से आता है सो so, एक तो आइडिया है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और अगर मिस हो जाते हैं देन वी आर हेयर एंड वी आर कंपाइलिंग इट वीकली फॉर यू आज हम सेकंड वीक ऑफ सितंबर यहाँ पर कवर करेंगे इससे पहले हमने जितने भी हैं उनकी एक अलग से प्ले लिस्ट बना के रखी है सो डू चेक इट आउट प्री मेन्ज दोनों ही परस्पेक्टिव से हम लोग कवर करने वाले हैं आई होप दिस वीडियो विल हेल्प आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इसके लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेलाइकन तो इन लेक्चर्स के पी डी एफ सिंह आपको बाद में चाहिए होते हैं वो मिलते हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करवा रहे कर रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हो करंट अफेयर्स फ्री स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और अगर कुछ समझना आए तो देर इज़ अ ट्वेंटी फोर सेवन सबॉल आप अपनी तैयारी के हिसाब से जो भी चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट करती है चाहे टेस्ट सीरीज हैं या फिर फाउंडेशन कोर्सेज आप उनको चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे जैसे देर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल इन न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट है कुछ जगह है कुछ प्लेस किए गए इनको देखेंगे फिर मेंस जी टू का गवर्नेंस टॉपिक आता है देन एक और जो है यहाँ पर जी थ्री का टॉपिक है जिसको कवर करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किन्नौर में टंगस्टन ढूंढने निकला है विच इज़ अ रेयर अर्थ मेटल तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है तो चलिए शुरुआत करते हैं प्री फैक्ट्स के साथ में पहली न्यूज़ कहती है कि पालमपुर यूनिवर्सिटी ने दो राजमा की वेराइटीज़ को रिलीज़ किया है तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मैंने मिड अगस्त में ये न्यूज़ कवर करवाई थी जहां पर ये पालमपुर यूनिवर्सिटी ने 368 सिक्सटी राजमा की जिनको हिमालयन राजमा कहा था उनके लिए जी टैग की मांग की थी याद है वहां पर मैंने ये शब्द त्रिलोकी राजमा ये भी पढ़ाया था तो वही है यहाँ पर अभी क्या हुआ इसको थोड़ा फॉर्मली यहाँ पर अनाउंस किया गया जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उन्होंने आकर आगे दो वेरायटी के नाम लिए ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक का नाम है हिम पालम कंचन और एक का नाम है हिम पालम त्रिलोकी तो अगर डायरेक्टली प्री का क्वेश्चन बनेगा तो, तो पूछ लिया जाएगा कि हिम पालम ये कंचन है और त्रिलोकी है ये किस चीज़ की वेरायटी है पियर की एप्पल की एप्रीकॉट की ग्रेप्स की या फिर राजमा की तो ये किसकी है राजमा किडनी बीन्स की। और भी कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है या एडिशन करना है उसके बारे में उन्होंने कहा अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो हिमपालम त्रिलोकी राजमा है, ये कहाँ मिलते हैं तो हिमालयन वैसे तो हिमालयन राजमा एक ही कैटेगरी जीआई के लिए मांग की जा रही थी लेकिन ये मैक्सिमम हमें ट्राइबल बेल्ट में देखने को मिलते हैं ट्राइबल बेल्ट आ गई आपकी कुकुम सेरी लाहौल स्पीति देन इज किन्नौर कुल्लू पार्ट्स ऑफ किन्नौर कुल्लू मंडी एंड चंबा है ये पूरा का पूरा नहीं है वहां पर ये आ, पाए जाते हैं जी आर टैग किस बेसिस पे मांग रहे हैं जिया टैग यूजली यूनिकनेस के लिए दिया जाता है ना तो ये वही क्लेम्स हैं कि हमारे राजमा जो हैं ये खुद ही उगते थे पहले और नो नेचुरल है कोई भी इसमें कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है इसमें ये है वो है एंड आर यूनिक बाय ट्रेडिशन एंड फ्लेवर की नेक्स्ट न्यूज न्यूज है अ पर्सन इन जिनका नाम है ईशानी सिंह जम्वाल कुल्लू की बेटी हैं और इन्होंने कारगिल में सूरू वैली की कुन पीक को स्केल किया सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब पहला विमेन्स एक्सपेडिशन महिला एक्सपेडिशन यहां पर गया और सक्सेसफुली उन्होंने कारगिल की कुन पीक को यहाँ पर कॉन्कर किया उसकी हाइट पता होनी चाहिए सो दैट इज़ 7,077 मीटर्स जास्कर रीजन में आता है जब हमने ये रीजन्स पढ़े थे तो हिमाचल में हमने देखा कौन कौन सी रेंजेस जाती हैं जास्कर बड़ा कम है और वो मैक्सिमम जो है लद्दाख में है जहाँ की ये जहाँ पर ये पीक हमें देखने को मिलती है तो उनका नाम है ईशानी सिंह जम्वाल नेक्स्ट न्यूज़ आ गई इलीगल माइनिंग नाउ नॉन वेलेबल ऑफेंस इन कांगड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अगेन मैंने अगस्त में आपको एक न्यूज बताई चक्की रिवर के ऊपर जुगिंद्रा नगर में चक्की रिवर के ऊपर एक रेलवे ब्रिज था जो कि कलेप्स कर गया उसका सारा का सारा का आया कि ये जो इलीगल माइनिंग की जा रही है इसकी वजह से फैक्ट चक्की किसकी ट्रिब्यूट्री है चक्की किसकी ट्रिब्यूटरी है हम लोग बात कर रहे हैं कहा कि जोगिंद्रा नगर वाले एरिया की यानी कि कांगड़ा और जो आपका मंडी का एरिया है वो वाला तो वो है ब्यास की ट्रिब्यूट्री कांगड़ा में इसको क्या किया गया अगेन नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाया गया है अब देखो हिमाचल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो माइनिंग मैनेस बहुत सारा देखने को मिलता है जिसकी वजह से मिसहैप्स होते हैं और यहाँ पर माइनिंग को इलीगल इसलिए किया गया है क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब है हिमालय हैं अभी जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो अभी भी हो रहा है इट्स स्टिल गोइंग ऑन लाइक दिस सो अगर आप बिना पढ़े साइंटिफिकली अगर यहाँ पर माइनिंग ना की जाए तो इट बिकम्स वेरी इसी तरीके के यहाँ पर फ्लैश फ्लट्स देखने को मिलते हैं और लैंड uh, स्लाइड ये सब सारी की सारी चीज़ें हैंस इसी की वजह से इलीगल माइनिंग को नॉन बिलेबल ओफेंस बनाया गया है यानी कि अगर आप माइनिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी बेल तो नहीं हो पाएगी अगर आप कांगड़ा में हैं तो पहली बात माइनिंग नहीं करनी है दूसरी बात याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको नॉन वेलेबल ऑफेंस यहाँ पर बनाया गया है माइनिंग के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात की है कि हिमाचल में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सिरमौर में स्वान रिवर के पास में देन वी टॉक अबाउट गुम्मा माइंस जो हैं हम लोग यहाँ पर माइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं दिस इज़ द ओनली रीज़न के ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है इसको छुएंगे शिमला में हम लोग डेवलपमेंट प्लान लेकर क्यों नहीं आते क्योंकि हैप हेजर्ड है अगर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो बह जाएगा सब कुछ सो so, इसी चीज़ की बात की जा रही है देन अगेन आपको पता होना चाहिए कि ये वाला अगर आपके दिमाग में है तो यू विल ऑलरेडी नो कि कांगड़ा और मंडी के बॉर्डर के पास में यहाँ जैसे कौन सी आपकी आ, रिवर है तो दैट इज़ ब्यास और ब्यास की चक्की ट्रिब्यूटरी है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि प्ले ऑन संस्कृत प्रमोशन स्टेज इन शिमला अब ये मैंने 2019 में भी रिवाइज़ किया था 2020 में भी पढ़ा था कि हिमाचल चाहता है कि इसकी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत को बनाया जाए संस्कृत एक बहुत रिच लैंग्वेज है हमारे एनसेस्टर्स यूज़ किया करते थे और जो है इसको आगे प्रमोट भी करना चाहिए तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है इसी को प्रमोट करने के लिए गेटी थिएटर में शिमला के एक संस्कृत प्ले का भी आयोजन किया गया जिसका नाम है भारत विजयम या भारत विजय नाटकम तो यहाँ पर इसको परफॉर्म किया गया ये अरेंज किया था आपके गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज फागली ने और हिमाचल संस्कृति संस्कृत यूनिवर्सिटी ने इन लोगों ने मिलकर इसको किया तो अगेन प्री फैक्ट बनता है और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस पे भी आप इसको जोड़ सकते हैं नेक्स्ट इज ऑल्सो अ पर्सन इन न्यूज़ इनका नाम है वंशिका परमार ये कहाँ से है तो दैट इज़ Uh, हमीरपुर से ये हैं एंड शी बिकेम एट द वेरी यंग एज ऑफ 19 शी बिकेम मिस अर्थ इंडिया 2022 ये फिलीपींस में हुआ पेजेंट और uh, यहाँ पर हमें देखने को मिला अब मैनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू हर फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड इज इसको अपनी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है जो भी पर्सन इन न्यूज़ रहते हैं सिंस ऐसा नहीं है कि अब आप एच की तैयारी कर रहे हो तो आप एच का ही एग्ज़ाम दोगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है और भी जितने एग्जाम निकलते हैं आप उनको भी भरोगे तो एच में ना भी अगर ऐसा पूछा जाए मैचिंग में तो पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज़ और उनको टाइटल या किस चीज़ से नवाजा गया है आ, पूछ सकते हैं बिल्कुल लेकिन जो छोटे एग्जाम्स हैं उनके लिए इस तरीके के पर्सन इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सन इन प्लेसेस इन न्यूज़ राइट नेक्स्ट देखते हैं मशरूम फेयर हेल्ड इन सोलन ऑब्वियस ही बात है मशरूम मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल कहते हैं हम सोलन को यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डायरेक्ट्रेट ऑफ मशरूम रिसर्च भी है तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग न्यू न्यू वेराइटीज़ को लाया जा सकता है जब ये मशरूम सिटी बनाया गया था सोलन को उसके बाद ही ये एनुअल फेयर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया गया और अभी ट्वेंटी मनाया गया बहुत सारे इस तरीके के हाई फाई से मशरूम्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जिनकी लैक्स में लैक्स पर केजी के के हिसाब से रहते हैं इनके रेट्स मुझ तो एक ही याद आ रहा है गुच्छी मशरूम हमने पढ़ा था याद है आपको हमने गुच्छी मशरूम पढ़ा था कि इसकी फाइनली वैसे ये जंगली मिलता था बहुत महंगा है एंड वेरी रिच इन दिस एंड दैट और अभी इसको कमर्शियली उगाने की बात की जा रही थी और आने वाले टाइम में उगाया गया ये जो मशरूम हैं बहुत अच्छी क्वालिटीज़ कुछ रखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं इसी के लिए यहाँ पर उगाए जाते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ इज ड्रोन सर्वे अंडरवे इन कैंटोनमेंट टाउन्स अब हिमाचल में बहुत सारे कैंटोनमेंट टाउन्स हैं एरियाज हैं आपके आगे कसौली डगशाई स्पाटू और भी बहुत सारे हैं इनमें से हम ये बहुत पुराने पुराने हैं जैसे बखलो हो गया देन वी टॉक अबाउट डगशाई अब यहाँ पर लिखा है कि इट वॉज़ फाउंड एटीन फोटी लेकिन अगर हम सपाथू की बात करें ना सपाटू जो है ये गोरखा रेजिमेंट का है तो करीब 1815 में जब ये गोरखाज को बाहर खदेड़ने लगे थे ना आपके ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने उस वक्त ही सोच लिया था कि बहुत अच्छे फाइटर्स हैं तो इनको ना हम इंडियन आर्मी में रखेंगे इंडियन आर्मी में इनका नाम का एक अलग से रेजिमेंट बना जिसका नाम था नसीरी रेजिमेंट नसीरी रेजिमेंट उसके नाम पर ये आगे से बात जो कंटोनमेंट है वो यहाँ पर चला सो इट इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन यहाँ पर ना ड्रोन सर्वे किया जा रहा है इस ड्रोन सर्वे में अगेन बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं कितने स्टेट गव स्टेट ओन्ड हैं ये सारी सारी चीज़ों का सर्वे किया जा रहा है अब यहाँ पर एक स्टडी देखने को मिली जिसमें देखा गया कि जितने भी सिविलियंस रहते हैं कैंटोनमेंट एरियाज़ में टाउन्स में वो लोग बोल रहे हैं कि हमें सिविलियंस बनना है और बाहर जाना है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं फॉर एक्जाम्पल कसौली की बात करते हैं तो यहाँ का ग्रोथ रेट है थर्टीन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट यानि कि जो बेसिक चीज़ें नॉर्मल विलेज तक पहुँचती हैं वो कैंटोनमेंट एरियाज़ में थोड़े डिफरेंट प्रोसीजर्स रहते हैं सो दीज आर द पीपल जो मांग कर रहे हैं दैट वी वॉन्ट दी एक्सक्लूजन फ्राम दिस कैंटोनमेंट जोन ताकि हम गवर्नमेंट्स स्कीम्स का अलग अलग फंड्स का फायदा यहाँ पर उठा और नेक्स्ट न्यूज इज हिट बाय अ डिजीज पैडी ये टेन परसेंट इन हिमाचल प्रदेश अब जो पैडी प्रोडक्शन है वो यहाँ हिमाचल में की जाती है मैक्सिमम हमें शिवालिक्स में सिरमौर के एरिया में देखने को मिलती है आपने न्यूज में भी सुना होगा डुआफ वायरस जो कि पैडी के प्लांट को बहुत छोटा कर देता है बहुत टाइम तक इसके ऊपर रिसर्च हुआ अच्छे से समझ नहीं आया और देखा गया कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से ये वायरस आया लेकिन हिमाचल की सिंस हम बात कर रहे हैं अलग से एक दिन वीडियो कर लेंगे इसके ऊपर कैसा ये वायरस है क्या कहता है क्या बात होती है लेकिन अभी क्या कि हिमाचल का पैडी प्रोडक्शन 10 प्रतिशत से कम होगा और सिरमौर में 20 टू 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट बहुत ज़्यादा होता है कि आधी फसल आपकी डुआफ डिजीज से ख़राब हो गई है तो आने वाले दिनों में हम जो भी इसके यहाँ पर इसमें एक्शन लिए जाएंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ आती है नोनी के एक साइंटिस्ट हैं सीनियर साइंटिस्ट जिनका नाम है प्रमोद शर्मा उनको आउटस्टैंडिंग यंग रिसर्च अवार्ड दिया गया अब नॉनी में अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंसेज में ये प्रमोद शर्मा जी काम करते हैं और इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया

ये मैंने लास्ट टाइम भी कुछ कुछ इसका पार्ट कवर किया था तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश हमेशा टॉप में रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस व्हेन वी टॉक अबाउट के ये जितना भी क्राइम से रिलेटेड है क्योंकि इसमें अच्छा काम किया जाता है तो अभी की ये जो न्यूज़ है ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश ने नॉर्थ में सबसे अच्छा काम किया है इन दी रिकवरी ऑफ मिसिंग एंड एबडक्टेड पर्सन कोई किडनेपिंग्स हैं या लोग गायब हैं उनको ढूंढने में बहुत अच्छा काम किया है इसके क्या रीज़न्स हैं बेसिक बेसिक रीजन्स मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यूज़ करते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे कैमराज पुलिस व्हीकल्स के ऊपर अलग अलग सी सी टी वीज़ यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ड्रोन यूज़ बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है देन वी टॉक अबाउट के विमेन विमेन पुलिस मैन जो हैं पुलिस वेमेन है उनको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है पुलिस स्टेशन हो गए जहाँ पे स्पेसिफिकली वेमेन के लिए वो हैं और यही सारे हम लोगों ने पहला क्रिमिनल डीएनए डेटा सिस्टम भी बनाया है पूरे कंट्री का सबसे पहला डीएनए सिस्टम जो डेटा बेस है वो हिमाचल प्रदेश में है सो दीज आर जब ये सारा मिलके सब कुछ साथ में आता है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिलती है अगर हम ऑल ओवर नेशन बात करते हैं तो पहला नॉर्थ में तो हिमाचल प्रदेश पहला है और फिर अगर हम ऑल ओवर नेशन देखें तो सेकेंड पे आता है पहले पे उड़ीसा आता है तो यही प्री फैक्ट याद रखना है कितने केसेस कितना परसेंटेज ये इतना ध्यान याद करने की ज़रूरत नहीं है डेटा सो so, आज की लास्ट न्यूज़ है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि नो रीजन में हाई वैल्यू टेंगस्टिन एलिमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए अब अगर मैं टेंगस्टिन की बात करूं तो ये क्या है ये एक रेयर अर्थ मेटल है जैसे सीरियम है यूरोपियम है इस तरीके से एक अलग कैटेगरी आती है रेयर अर्थ मेटल्स की जिसमें से ये एक है बहुत जगह यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स है रॉकेट सिस्टम्स माइनिंग देन यू टॉक अबाउट मिसल्स ऑटोमोबील्स बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है लेकिन अगेन जैसे इसका नाम है रेयर है ना तो कम पाया जाता है मैक्सिमम हम लोग इम्पोर्ट करते हैं फर्स्ट टाइम 1781 में इसको डिस्कवर किया गया था बहुत सारी एप्लीकेशन है लेकिन ये लिमिटेड है तो जो मैक्सिमम हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वो चाइना वियतनाम और रशिया से करते हैं सो दिस माइट बी द टाइम अगर यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए और भी रेयर अर्थ मेटल को क्योंकि जो आपकी बासपा वैली है सतलुज की ट्रिब्यूटी है एक बासपा उसका जितना भी ड्रेनेज एरिया है वो सारा का सारा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है और वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से ट्रेस मिले हैं बेसिकली इन रेयर अर्थ मेटल्स के सो so आने वाले टाइम में यहाँ पर अगर एक्सप्लोर किया जाता है तो हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी सिर्फ इसको शुरू किया गया है uh, याद रखना है कि जो रेयर अर्थ मेटल है ये किन्नौर में स्पेसिफिकली किन्नौर में इसको सर्च किया जा रहा है सो दैट इज इट फू टूडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग